अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। और रमज़ान जो है माशाल्लाह से शुरू हो चुके हैं, आज माशाल्लाह से दूसरा रोज़ा था। और माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान जो है तेज़ रफ्तारी से जो है अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं। तो रमज़ान में तो जो है आपको पता है रूटीन्स काफ़ी टफ़ हो जाती हैं, और रमज़ान में डबल ट्रिपल मेहनत होना शुरू हो जाती है। बच्चों के साथ भाग दौड़, घर के काम काज, रोज़ों की तैयारी, रोज़ों में सहरी भी सहरी की तैयारी, खाने की तैयारी, तो बस इस चक्रों में जो है रमज़ान हमारे माशाल्लाह से चल जाते हैं। और फिर हम लोगों को बाद में पता लगता है कि जी रमज़ान का तो पता ही नहीं लगा। तो उम्मीद करती हूँ आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। और हमारे घर में चूँकि आपको पता है काम चल रहा था, अभी थोड़ा बहुत काम है बाकी, और कुछ दरवाज़े वगैरह पेंट करने थे वो कर रहे हैं, और साथ में गेट वगैरह पेंट करने वाला रह गया था वो करने वाला रह गया। तो बस ऐसे ही डबल ट्रिपल मेहनत में जो है वो रमज़ान चल रहे हैं हमारे। तो आप लोग बताएं आप लोग के रमज़ान कैसे चल रहे हैं। मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे, और साथ साथ मुझे फ़ीडबैक देते रहा करें, और मुझे बताएं कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, मेरी शॉर्ट्स कैसी लग रही हैं, मेरी वीडियोज़ जो मैं आपके साथ अपलोड करती रही हूँ वो कैसी लग रही हैं। थोड़ी सिचुएशन हो तो आपको पता है थोड़ी हेल्प हो जाती है बंदे को कि आप लोग क्या पसंद कर रहे हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ मुझे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, मुझे सजेशंस देंगे और मेरे चैनल को जो है वो सपोर्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो जी जनाब, यहाँ पे मैंने जो है फ्राइज़ को ये वेवी जो शेप है उसमें कट करके रख लिए हैं, और टाइमिंग के हिसाब से मैंने इसको कट करके रख लिया था। और दूसरी तरफ मैं बना रही थी खाना। खाने में आज हम बना रहे हैं वाइट कढ़ाई, और वाइट कढ़ाई में जो है आपको पता है ज़्यादा स्पाइसनेस नहीं होती है, इसमें सिर्फ काली मिर्च डलती है। तो यहाँ मैंने प्याज और लहसुन जो है वो तकरीबन काट के रख लिया है अपने हिसाब से, और यहाँ पर सिर्फ मैंने नमक हल्दी और ज़ीरा जो है उसको डाल दिया है, पानी डाला है ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। और आपको पता है आजकल के प्याज तो वैसे ही नहीं गलते, तो यहाँ मैंने प्याज को और लहसुन को पानी के अंदर डाल के हल्की आंच पे दरमियानी आंच पे कट रख दिया है ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, और उसके बाद जो है हम इसका अगला प्रोसेस शुरू करें। यहाँ जनाब मैं बना रही थी आज सैंडविच, और बारबेक्यू नहीं मतलब कह लें कि ग्रिल सैंडविच थे, लेकिन मेरे पास ग्रिल अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे मैंने इसको चिकन के छोटे छोटे चंक्स जो है वो काट के रख लिए थे, और सबसे पहले मैंने घी डाला था थोड़ा सा, और उसमें हल्का सा लहसुन पाउडर डाल के चिकन को यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करने के बाद ये तमाम चीज़ें यानी दादरी मिर्च, नमक, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, इन चीज़ों से जो है मैं सिर्फ मसाला तैयार करूँगी। यहाँ चिकन को हल्का सा मतलब सोते करने के बाद मैंने यहाँ दादरी मिर्च डाल दी थी और थोड़ा सा नमक डाला था, और साथ ही मैंने इसमें चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका डाल के इसको थोड़ा सा भून लिया था। और भूनने के बाद जो है मैंने इसको हल्की आँच पर रखा था ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर मैं मसाला जो है इसका पहले से तैयार करके रख रही थी ताकि जब इफ्तारी का टाइम हो तो उसके करीब करीब मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा भून के और गरम गरम जो है सैंडविचेस तैयार कर लूँ। तो ये बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के सैंडविच बने थे। तो चूँकि ये ब्लॉग मेरा सेकंड इफ्तारी का था, तो इसलिए यहाँ पे जो है तकरीबन थोड़ा व्लॉग लेट हो गया मेरा। तो यहाँ चिकन को जो है वो यहाँ पे रेडी करके रख लूँगी मैं। तो यहाँ साथ साथ जो है मैंने प्याज जो है वो तकरीबन नरम हो गया था, और नरम होने के बाद उसको मैंने घी डाल दिया है। घी डालने के बाद मैं इसको भून रही थी, और साथ में यहाँ पे चिकन जो है वो डाल दिया था। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ डाल सकते हैं मतलब मसाला, अगर आप रस मिसाजा चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी ना हो तो आपने उसके अकॉर्डिंग प्याज डालना है, और अगर आप थोड़ी ग्रेवी चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्याज डालना है। इसमें आपने सिर्फ नमक और हल्दी डालनी है, उसके अलावा कुछ नहीं डालना। तो जनाब यहाँ जो है मसाला मेरा रेडी हो चुका था, बैटर जो था चिकन सैंडविच का। दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर मैंने घी डाल के और उसको चिकन को जो है अच्छी तरह से भूनना शुरू कर दिया था ताकि जो प्याज खड़ा खड़ा था वो भी बीच में गल जाएगा और चिकन जो है वो भी हो जाएगा सोते। यहाँ जनाब अम्मी आ गई थी, तो अम्मी इसमें दही जो है वो फेंट के डाल रही थी, और तकरीबन एक प्याली के करीब जो है यहाँ पे दही जो है वो डाली थी, क्योंकि इसने चिकन ने जो है वो दही के पानी में डालना है। इसमें कोई टमाटर वगैरह नहीं डालने, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी, ये सिर्फ दही प्याज इन दो चीज़ों से डलता है बनता है।
तो यहाँ जनाब दही डाल के तो हल्की दरमियानी आंच पे मैं अब चिकन को पकने दूंगी, और सबसे लास्ट में जब तकरीबन चिकन भी गल जाएगा और सब कुछ रेडी होगा तब तो काली मिर्च डालूंगी। अच्छा जनाब, खाना जो है वो मैंने साइड पे कर दिया था क्योंकि अफ्तारी का टाइम स्टार्ट हो चुका था, तो यहाँ फ्राइज़ जो है वो तैयार कर रहे थे और साथ में बैटर जो है सैंडविच का वो तैयार किया था। काली मिर्च वाला अंडा बना के मैंने सबसे पहले लेयर उसकी लगाई थी, उसके ऊपर खीरा लगाया था, और उसके बाद मायनीज़ और केचप जो है उसको मिक्स करके आप जो है वो लगा लें दूसरे पीस के ऊपर। यहाँ मैंने वो रेडी कर दिया था। अगर आप चाहें तो आप सिंपल मायनीज़ लगा सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस करना चाह रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप मायनीज़ और जो केचप है उसको मिक्स करके वो ऊपर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ जो है सिस्टर इन लॉ जो है वो साथ अपना सैंडविच का बैटर जो है वो रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे जो है चिकन जो है वो ऊपर लगाने के बाद आप इसके ऊपर खीरे, प्याज, टमाटर वगैरह अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं। अगर आपको वो सैलेड के पत्ते पसंद है आप वो भी बीच में ऐड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे तैयार करना चाहते हैं। तो यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो जो घर में ब्रेड अवेलेबल थी मैंने उसके ऊपर इसको अप्लाई कर दिया था। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सैंडविच है वो रेडी हो चुका था। तो जनाब अफरा तफरी में जो है उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी अफ्तारी के टाइम, तो यहाँ पे अफ्तारी के बाद जो है वो मैं चाय बना रही थी अपने लिए, अम्मी के लिए और अली के लिए और हिना के लिए। तो यहाँ चाय जो है वह हमारी रेडी हो चुकी थी और हम लोग साथ टीवी देख रहे थे जन्नत को, जो कि आज टेम्परेचर हुआ हुआ था। तो जन्नत का आज बस ऐसे ही सो रहा काम, इसलिए आज थोड़ा वीक थी और सो मतलब कहने के एक्टिव नहीं थी इतनी, तो साथ टीवी देख रही थी। और यहाँ जनाब मैंने बाकी का काम जो चिकन का मेरा रह गया था सालन का वो यहाँ पर मैं रेडी करने लगी थी। तो यहाँ पर पानी जो है अभी चिकन के अंदर है और इसको अच्छी तरह से भूनने और खुश करने के बाद जो है यहाँ पे काली मिर्च जो है वो डालेंगे। तो पानी थोड़ा सा इसमें था और उसके बाद जैसे ही पानी थोड़ा सा खुश्क होना शुरू हो गया यहाँ पे काली मिर्च जो है वो डाल दी। तकरीबन आप कह लें कि एक टेबल स्पून भी नहीं है पूरा भर के, लेकिन 1 टेबल स्पून के करीब करीब जो है यहाँ पे डाल दी थी। और उसके बाद यहाँ पर अम्मी जो है इसको अच्छी तरह से भून रही थी। भूनने के बाद जो है इसके अंदर हमने हरी मिर्च, हरा धनिया और लेमन जो है वो आपने काट के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख देना है। और इसको आपने सादा रोटी के साथ, नान के साथ खा के देखे, बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट बना था इसका। तो माशाल्लाह से हमारा खाना जो था अफ्तारी सहरी के लिए वो रेडी हो चुका था, क्योंकि अफ्तारी के टाइम हम लोग अफ्तारी का खा पी लेते हैं और उसके बाद सहरी तक जो है वो थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि फिर खाया नहीं जाता, आपको पता बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं करना। तो जनाब यहाँ मूसा जो है वो शरारतें कर रहा था और बहुत तंग कर रहा था, तो यहाँ पे वो पेंसिल्स के साथ और कॉपी के साथ वो खेल रहा था। तो मैंने सोचा चलो छोटा सा व्लॉग इसका भी बना लेते हैं साथ वीडियो में। और जैसे ही मतलब ये रमज़ान शुरू हो गए हैं, मूसा की एक्टिविटीज़ और शरारतें जो है वो माशाल्लाह फिर बढ़ती जा रही हैं। और जैसे ही मतलब पेपर्स में लेके बैठते थे कॉपीज़, ये भी कहता था जनाब मैंने लेके बैठनी है, मैंने पढ़ना है। तो फाइनल लुक जो थी वो सालन की कुछ इस तरह से थी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का और बहुत माशाल्लाह से टेस्टी बना था। और यहाँ पे जो है मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी ताकि आपको दिखा सकूँ कि फाइनल लुक ये थी। और जनाब मूसा जो है ये शरारतें कर रहा है, यहाँ छोटा सा इसकी वीडियोस बनाने शुरू कर दी है, शरारतें करते करते खेलते खेलते वीडियो बना रही हूँ मैं इसकी। तो मुझे उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को और चैनल को सपोर्ट करें और मेरी वीडियोस को एंड तक देखा करें, मुझे सजेशंस दिया करें ताकि मुझे पता लगे कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको क्या दिखाऊँ। तो ये बस मूसा के साथ शरारतें करते हुए जो है मैं वीडियो बना रही थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ फिर आऊँगी और फिर आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करूँगी। तब तक उम्मीद करती हूँ आप अपना ख्याल रखेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।